सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग कल छोटी ई की मात्रा लगाए होंगे, आप लोग को तो अच्छी तरह से आ गया होगा छोटी ई की मात्रा पढ़ना लिखना। आज आप लोग छोटी ई की मात्रा वाले सुलेख लिखेंगे। देखिए किस तरह से सुलेख लिखते हैं। देखिए मैंने लिखा है त में छोटी ई की मात्रा, न क में आ की मात्रा तिनका, थोड़ा सा जगह छोड़ा है, फिर लिखा है प र पर, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ा है, फिर लिखा है र, ख में आ की मात्रा रखा, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ा है, फिर लिखा है त में छोटी की मात्रा, न क में आ की मात्रा तिनका, तिनका। मेरे पास जगह नहीं है, आप थोड़ा दूर पे पूर्ण विराम जरूर दीजिएगा, मैम का बोर्ड छोटा है ना। इसी तरह से फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर उसी को लिखेंगे तिनका पर रखा तिनका, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे तिनका पर रखा तिनका। इसी तरह से एक एक लाइन छोड़ के साफ सुंदर साफ सुंदर साफ साफ और सुंदर सुंदर अक्षर बना के लिखेंगे। अब मैं आप लोग को बुक में भी पढ़ाती हूँ। देखिए बुक बुक किताब में भी आ दिया हुआ है, आप लोग 39 पेज नंबर निकालेंगे और मैं जैसे पढ़ा रही हूँ उसी तरह से बोल बोल कर आप लोग भी घर में पढ़ोगे तो आप लोग को पढ़ने आ जाएगा। चलिए, च में छोटी की मात्रा, र में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा चिड़ियाँ, अ में आ की मात्रा बड़ी आई, च में छोटी की मात्रा बड़ी, र में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा चिड़ियाँ, अ में आ की मात्रा बड़ी आई, फिर इसी तरह से चिड़ियाँ, त में छोटी की मात्रा, न का तिनका, उ छोटी उ, ठ में आ की मात्रा क उठाकर, ल में आ की मात्रा बड़ी लाइफ, त में छोटी की मात्रा, न क में आ की मात्रा तिनका, पर पर, ख में आ की मात्रा, त में छोटी की मात्रा, न का तिनका, उस उस, पर पर, फ में छोटी की मात्रा, र फर, र ख में आ की मात्रा रखा, त में छोटी की मात्रा, न का तिनका, च में छोटी की मात्रा, र में बड़ी की मात्रा, य में आ की मात्रा चिड़ियाँ, त में छोटी की मात्रा, न क में आ की मात्रा तिनका, त में छोटी की मात्रा, न क में आ की मात्रा तिनका, ल में आ की मात्रा य लाए, फ में छोटी की मात्रा र फिर, व ह व अपना अपना, घर घर, बना ब न में आ की मात्रा यह बना, फिर इसको पढ़ेंगे। देखिए चिड़ियाँ आई चिड़ियाँ आई, चिड़िया तिनका उठा कर लाई, तिनका पर रखा तिनका, उस पर फिर रखा तिनका, चिड़िया तिनका तिनका लाए, फिर वो अपना घर बनाए। देखिए आप लोग भी इसी तरह से जिस तरह से हम उच्चारण के साथ मात्रा के साथ पढ़ाए हैं इस तरह से आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को भी पढ़ना आ जाएगा और सुलेख भी साफ साफ से सुंदर से लिखोगे। ठीक है, ओके बाय।